सो दोस्तों रेसलमेनिया को 10-15 दिन रह गए हैं, ठीक है। दो दिन का यार रेसलमेनिया, मैं तो चाहता था भाई एक दिन का करवा देते, इन्होंने ना यार दो दिन बना लिया एंड उसके बाद मैचेस हमें दे रहे हैं बैरन कॉर्बिन वर्सेस ड्रू मैकइंटायर वाले, तो मत ही देने थे यार। इसलिए इससे अच्छा तो यार एक दिन का बनाओ लेकिन अच्छे अच्छे सारे मैचेस उसमें ही रख दो। एंड गाइस ऊपर से WWE ने जो सरप्राइजेस हैं सारे के सारे पहले ही रिवील कर दिए। स्टीव ऑस्टिन का कर दिया है एंड जोनी नॉक्सविल जिनको हम इंडिया वाले नहीं जानते, मतलब है उधर बहुत अच्छे हैं लेकिन इधर हम नहीं जानते, तो भाई हम क्या करें। एंड गाइस जब बेस्ट टैग टीम मैच होगा रेसलमेनिया, कितना मजा आएगा, मैं मजाक कर रहा हूँ यार। एक टाइम पर जेफ हार्डी एंड हार्डी ब्रदर्स हम देखते रहे, डडली बॉयज हम देखते रहे, एजेंट क्रिश्चियन देखते थे एंड रेसलमेनिया पर आजकल The Usos versus Shinsuke Nakamura एंड उनके साथ ही हमें देखने को मिल रहा है। सरप्राइजेस में हमें मैचेस मिल रहे हैं अच्छे अच्छे, वैसे मिल रहे हैं मिस के साथ लोगन पोल है वर्सेस मिस्टीरियो फैमिली एंड उसके बाद सैमी ज़ेन का मैंने आपको बताया ही है कि उनके साथ है नॉक्सविल एंड उसके बाद स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का सरप्राइज सबसे बड़ा होगा। लेट्स सी क्या होता है इन दोनों में, मतलब मैच होगा तो यार अच्छा होगा। एंड गाइज आगे हमें पैट मैकैफे भी दिखने वाले हैं रेसलमेनिया पर, मैं इसके लिए एक्साइटेड हूँ एंड नो वे ऑस्टिन थ्योरी जीतने वाले ये वाला मैच, पैट मैकैफे ही जीतेंगे। एंड गाइज वो रेसलिंग में आके भाई कमेंट्री मत भूल जाना पैट मैकैफे भाई, आपकी कमेंट्री के लिए यार बहुत ज्यादा लोग तरसते हैं। एंड गाइज नेक्स्ट है दो मास मैचेस जो कि जनता के लिए बनाए गए हैं, एज वर्सेस एज स्टाइल, वो वाली जनता है जो क्लास ढूंढती है रेसलिंग में, बहुत ही तगड़ा मैच होने वाला है ये वाला। एंड गाइज ये मैच में मैं चाहता हूँ कि एज स्टाइल जीत जाए यार, मतलब मजा आ जाएगा, उनकी करियर की ग्रेटेस्ट विन बन सकती है। एंड दूसरा है मास मैच जो कि जनता के लिए मासी बनाया गया है, रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर, बहुत ही ज्यादा चर्चे हैं भाई इस मैच में, इसकी सेगमेंट्स अच्छी हो रही हैं इस टाइम स्मैकडाउन पर। एंड गाइस नेक्स्ट हम वुमेन डिपार्टमेंट पर भी चलते हैं, उसका भी अच्छा ख्याल रखा है WWE ने, शार्लेट फ्लेयर वर्सेस रोंडा राउजी, एक तगड़ी मैच होने वाली है, जैसे मतलब गोल्डबर्ग वर्सेस ब्रोक लेसनर की हुई थी, मैं शायद सपोज कर रहा हूं रोंडा राउजी जीत जाएगी। नेक्स्ट बेकी लिंच वर्सेस बियांका ब्लेयर, ये एक मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छा मैच, लंबा मैच जाने वाला है, पिछली बार जल्दी हरा दिया था बेकी लिंच ने। सो यस अभी बाकी मैचेस अभी बनने हैं थोड़े से जो बाकी बचे हुए हैं, पहले उनका भी देखते क्या होता है। यहां तक आगे सब्सक्राइब मार देना चैनल को, नोटिफिकेशन बेल जरूर कर देना एंड लाइक तो हमारे देते हो। मैं सोहेल, बाय बाय।